हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने अभी तक लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा, बट हमने वो बाइनरी क्लासिफिकेशन सेटिंग में पढ़ा। मतलब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम था उसमें दो क्लासेस थी, जनरली येस और नो। बट वॉट इफ हमारे पास दो से ज्यादा क्लासेज हो, येस नो मे बी, या फिर उससे भी ज्यादा चार क्लासेज हो या पांच क्लासेज हो, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो हमने पढ़ा है वो काम नहीं करेगा। उस केस में हमें एक फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन सीखना पड़ेगा जिसको हम सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन बोलते हैं, या फिर आप उसको मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी बोलते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम उस टाइप ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इंट्यूशन देखेंगे, ठीक है, और एक कोड सैंपल के थ्रू देखेंगे कि वो काम कैसे करता है, और फिर एक फ्यूचर वीडियो में मैं आपको स्क्रैच से उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन और कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच सिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, लेट्स से हमारे पास एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जहां पे हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है CGPA और IQ, और फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि उसका प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। बट इस बार तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहला पॉसिबिलिटी इज कि प्लेसमेंट हो गया, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि प्लेसमेंट नहीं हुआ, और तीसरा पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं, ऑप्ट आउट कर गया। कुछ भी रीजन हो सकता है, हायर स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर पता नहीं ऑफ कैंपस, जो भी रीजन है। यस नो और ऑप्ट आउट। यस को आप 1 बोल सकते हो, नो को आप 0 बोल सकते हो, और आउटपुट ऑप्ट आउट को आप 2 बोल सकते हो। ठीक है, मतलब आपके पास डेटा कुछ ऐसा हो सकता है 7.1, 71, 0, 8.5, 85, 1, 9.5, 95, 2, इस तरीके से हमारे पास डेटा हो सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक क्लासिफायर बनाना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफायर बनाना है, जो अगर मुझसे एक नए स्टूडेंट्स के बारे में पूछा जाए कि लेट्स से CGPA 6.5 एंड IQ is 65, तो हमें प्रिडिक्ट करना है कि उसका प्लेसमेंट होगा या फिर नहीं होगा, या फिर वो बैठेगा ही नहीं। ठीक है, तो जो हमने अभी तक पढ़ा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, वो स्पेशली हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए पढ़ा। इसका मतलब अगर आपके पास यस नो 0 1 वाला सेटिंग है, तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो काम करेगा। बट अभी जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहां पर दो से ज्यादा क्लासेस हैं, जिसको हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, उस सेटिंग में हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन फेल कर जाता है। ठीक है, और वहीं पर हमें जरूरत पड़ती है सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन की। ठीक है, सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन की, जिसको हम कभी कभी मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये इन एनी केस बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये चीज आपको डीप लर्निंग में भी पढ़नी पड़ती है। डीप लर्निंग में भी आपको ये वाली चीज एज इट इज पढ़नी पड़ेगी, तो उस सेंस में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। द गुड पार्ट इज कि सॉफ्टमैक्स इज अ जनरल थिंग। मतलब अगर आपको सॉफ्टमैक्स आता है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो आपने पढ़ा है वो सॉफ्टमैक्स के अंदर ही आता है। दैट इज अ स्पेशलाइजेशन, इट्स अ स्पेशलाइजेशन ऑफ सॉफ्टमैक्स। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो आपने पढ़ा, इट इज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ सॉफ्टमैक्स फॉर 2 क्लासेस। मतलब अगर आपने कोड लिख रखा है सॉफ्टमैक्स का, तो अगर आप उसमें क्लासेस इक्वल टू 2 कर दो, तो वो नॉर्मल लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो इन अ वे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉफ्टमैक्स पढ़ना, बट इट्स ओके, हमने पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हमारा गोल इज कि मैं आपको स्क्रैच से समझाऊं कि ये पूरा चीज कैसे काम करेगा। ठीक है, और ये चीज सीखने के लिए, समझने के लिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉट इज सॉफ्टमैक्स फंक्शन। हमने जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा था, हमने वहां पे सिग्मोइड फंक्शन पढ़ा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या होता है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। इट्स अ फेमस मैथमेटिकल फंक्शन, मैं इसको लिख देता हूँ। सो इसको ऐसे लिखा जाता है, सिग्मा जेड ऑफ आई इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड ऑफ आई, सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से कैपिटल के, ई टू द पावर दिस शुड बी जे जेड जे। ठीक है, यहाँ पे के
इज द नंबर ऑफ क्लासेस. जैसे हमारे केस में द नंबर ऑफ क्लासेस इज 3, यस नो ऑप्ट आउट. ठीक है, तो अब अगर आपको मान लो निकालना है सिग्मॉइड आउटपुट ऑफ जेड ऑफ 1, मतलब यस प्लेसमेंट होने का, अगर आपको सॉफ्ट मैक्स कैलकुलेट करना है तो वो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे. यू वुड कैलकुलेट e टू द पावर जेड 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर जेड 1 प्लस e टू द पावर जेड 2 प्लस e टू द पावर जेड 3. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको निकालना है सिग्मॉइड ऑफ जेड 2 या जेड 1 निकाल लेते हैं पहले, मतलब प्लेसमेंट नहीं होने का, तो यहां पे आएगा एक्चुअली हमने गलत तरीके से ले लिया है. ऐसा मान लेते हैं गाइस थोड़ी देर के लिए कि यस इज 1, नो इज 2 और ऑप्ट आउट इज 3. थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं. तो यहां पर आ जाएगा, आई जस्ट इरेज दिस, दिस विल बिकम softmax of z2 will be equal to z2 e to the power z1 plus e to the power z2 plus e to the power z3. और सिमिलरली अगर आपको निकालना है सिग्मॉइड ऑफ z3, तो इट वुड बी e to the power z3 e to the power z1 plus e to the power z2 plus e to the power z3. ठीक है, सो यू कैन सी कुछ चीजें आपको ऑलरेडी समझ में आ रही होंगी. सो होता क्या है कि आपका सॉफ्ट मैक्स फंक्शन इज अ फंक्शन जिसमें अगर आप जेड वैल्यू प्रोवाइड करते हो, जेड वैल्यू प्रोवाइड करते हो, तो ये आपको एक प्रोबेबिलिटी निकाल के देता है फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास. जैसे सिग्मॉइड क्या करता था, पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकाल के देता था. यहाँ पे हर क्लास की प्रोबेबिलिटी आपको निकल के मिलती है. ठीक है, सो ये फर्स्ट क्लास की प्रोबेबिलिटी है, सेकंड की प्रोबेबिलिटी और ये थर्ड की प्रोबेबिलिटी है. ये सारे नंबर्स जो है सॉफ्ट मैक्स ऑफ जेड 1, सॉफ्ट मैक्स ऑफ जेड 2 एंड सॉफ्ट मैक्स ऑफ जेड 3, इन तीनों का वैल्यू विल ऑलवेज बी 0 से 1 के बीच में. ठीक है, सेकेंड चीज क्या है कि अगर आप इन तीनों को एड कर दो तो ये हमेशा 1 रहेगा. मतलब इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को जब आप ऐड करोगे तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. आप बहुत क्लियरली तीनों को ऐड करो, यू विल गेट 1. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि किसी स्टूडेंट का प्लेसमेंट में प्लेसमेंट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, प्लेसमेंट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना है और ऑप्ट आउट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो सिंस यही तीन केसेस हैं एक स्टूडेंट से एसोसिएटेड, तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो दैट विल बी 1, क्योंकि इसके अलावा कुछ बचता नहीं है. एक स्टूडेंट या तो प्लेस होगा या तो नहीं होगा या तो बैठेगा ही नहीं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. एंड दैट इज वाई जब आप इस सबको ऐड करते हो तो आपको हमेशा 1 मिलता है. ठीक है, तो ये हो गया सॉफ्ट मैक्स फंक्शन. ठीक है, सॉफ्ट मैक्स फंक्शन बहुत काम का है एंड इट इज वेरी वेरी रिलेटेबल टू द सिग्मॉइड फंक्शन. ठीक है, इनफैक्ट अगर आप दो क्लासेस के लिए सॉफ्ट मैक्स लगाओ आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो इट इज सिग्मॉइड फंक्शन. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू इज विल फर्स्ट सी द ट्रेनिंग. हम दो चीजें देखेंगे, पहले ट्रेनिंग देखेंगे और फिर हम प्रिडिक्शन देखेंगे. सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन में पहले देखेंगे कि ट्रेनिंग कैसे होता है और फिर हम देखेंगे कि प्रिडिक्शन कैसे होता है. ठीक है, तो मैं आपको एक इंट्यूशन देता हूं. माइंड यू जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं एग्जैक्टली scikit-learn के अंदर ये चीज नहीं होती है, ये बस मैं आपको इजिली समझाने के लिए एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूं. ठीक है, एग्जैक्टली जो चीज होती है वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा. ठीक है, सो होता क्या है कि आप सबसे पहले क्या करते हो कि आपके पास जो डेटा होता है, मान लो आपके पास ये डेटा है, हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं यूजिंग सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन. सो हमारे पास CGPA है, IQ है और प्लेसमेंट होगा या नहीं ये डेटा है और यहाँ पे तीन क्लासेस हैं, यस नो और ऑप्ट आउट. ठीक है, तो मान लो आपके पास यहाँ पे कुछ कुछ डेटा है और ये है. ठीक है, यस का वैल्यू 0 है, नो का वैल्यू 1 है, ऑप्ट आउट का वैल्यू 2 है. ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करोगे. यू विल ट्रांसफॉर्म योर डेटा और डेटा में ट्रांसफॉर्मेशन जो आप करोगे वो सिर्फ अपने आउटपुट कॉलम के ऊपर करोगे. ठीक है, और आप कैसा ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, आप वन हॉट इनकोडिंग करोगे. ठीक है, यू विल वन हॉट इनकोड दिस कॉलम. सो होगा क्या, एक बन जाएगा इक्वल टू 0 का कॉलम, एक बन जाएगा इक्वल टू 1 का कॉलम और एक बन जाएगा 2 का कॉलम. ठीक है, अब पहला वाला 0 है तो यहां पे 1 आ जाएगा और बाकी दोनों वैल्यूज 0 हो जाएंगी.
ठीक है, फिर यहाँ पे इक्वल टू वन है तो पहला वाला वैल्यू जीरो होगा, सेकेंड वाला वैल्यू ये रहा तो ये वन हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, और थर्ड वाले के केस में यू विल हैव दिस। सो बेसिकली मैंने इसके ऊपर वन नॉट इनकोडिंग लगा के तीन कॉलम्स बना दिए, ठीक है। और अब यहां पर मेरे बाकी दोनों कॉलम्स एज इट इज लिखे हुए हैं, CGPA और IQ एज इट इज लिखे हुए हैं। सो पहले मेरे पास तीन कॉलम्स थे, अब मेरे पास पांच कॉलम्स हो गए, ठीक है। सो CGPA पहला कॉलम, IQ दूसरा कॉलम, और जो मेरा आउटपुट कॉलम था वो अब तीन अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। और मैंने इस तरीके से डिवाइड किया कि हर क्लास का बाइनरी क्लासिफिकेशन हो जाए। सो जीरो वाले के केस में आपने बाइनरी क्लासिफायर बना दिया, जहां पे भी जीरो था वहां पे आपने वन कर दिया, और जहां पे भी जीरो नहीं था वहां पे आपने जीरो कर दिया, ठीक है। सिमिलरली आपने वन वाले के लिए भी बाइनरी क्लासिफायर बना दिया, जहां भी वन नहीं है वहां पे जीरो, और जहां भी वन है वहां पे आपने वन रख दिया। एंड सेम गोज विथ टू वाला क्लास, जहां पे भी टू नहीं है आपने जीरो कर दिया, और जहां भी टू है आपने वन कर दिया। तो इन अ वे आपने मल्टी क्लास से बाइनरी क्लासिफिकेशन बना दिए तीन। अगर यहाँ पे चार क्लासेस होती तो चार कॉलम्स बनते, एन क्लासेस होती तो एन कॉलम्स बनते। यहां तक आई गेस आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप इस पर्टिकुलर डेटा सेट से तीन डेटा सेट बनाओगे, एक होगा D1, दूसरा होगा D2 और तीसरा होगा D3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। D1 में क्या होगा, D1 में होगा ये कॉलम और ये कॉलम, ठीक है। सो D1 में होगा CGPA, IQ और इक्वल टू जीरो वाला कॉलम, दिस वन, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्या होगा, D2 में होगा फिर से CGPA, IQ और इक्वल टू वन वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ठीक है। और यहां पे होगा CGPA, IQ और इक्वल टू टू वाला कॉलम। सो इन अ वे मैंने जीरो वाले के लिए एक अलग डेटा बना लिया, वन वाले के लिए अलग डेटा बना दिया, और टू वाले के लिए एक अलग डेटा बना लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत क्रूशल है। मैं क्या करूंगा, मैं तीन अलग अलग लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ट्रेन करूंगा। सो दिस इज मॉडल वन, दिस इज अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, दिस इज मॉडल टू, अगेन इट इज अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, एंड दिस इज M3, अगेन अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, अब तीनों मॉडल्स को ट्रेन करूंगा विथ देयर रिस्पेक्टिव डेटा सेट्स। सो ये डेटा इस मॉडल को मिलेगा, ये डेटा इस मॉडल को मिलेगा, ये डेटा इस मॉडल को मिलेगा। अब सिंस मॉडल ट्रेन हो रहा है तो अब आपको पलट के कोफिशियंट्स की वैल्यूज मिलेंगी। कितने कोफिशियंट की वैल्यूज मिलेंगी, फॉर एवरी मॉडल यू विल गेट 3 कोफिशियंट्स, क्योंकि आपके पास दो इनपुट कॉलम्स है, तो आपको W1 और W2 मिलेगा, और एक आपको W0 इंटरसेप्ट टर्म मिलेगा फॉर ईच ऑफ दीज 3 मॉडल्स, ठीक है। सिंस डेटा अलग है, ये कोफिशियंट्स का वैल्यू तीनों के लिए अलग अलग होगा। सो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे जो हमें मिलेगा वो होगा W1 ऑफ 0, W2 ऑफ 0 एंड W0 ऑफ 0, और यहां पे भी मुझे मिलेगा W1 ऑफ 1, W2 ऑफ 1 एंड W0 ऑफ 1, और यहां पे मुझे मिलेगा W1 ऑफ 2, W2 ऑफ 2 एंड W0 ऑफ 2। सो मुझे टोटल मिला के 9 कोफिशियंट्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने तीन अलग अलग मॉडल्स ट्रेन किए। एंड दैट इज हाउ ट्रेनिंग इज डन। ट्रेनिंग एग्जैक्टली आप ऐसे ही करते हो, मतलब बिहाइंड द सीन्स ऐसे नहीं होता। मैं आपको इंट्यूशन लेवल पे समझाना चाह रहा था कि ट्रेनिंग कैसे होता है। बिहाइंड द सीन्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर के बाद, बट आपको इंट्यूशन देने के लिए कि हो क्या रहा है, ये एक अच्छा तरीका है समझाने का, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया कि ट्रेनिंग कैसे हो रहा है। सी एट द एंड ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है, आपको कोफिशियंट्स का वैल्यू निकाल करके देना, तो आपको कोफिशियंट्स का वैल्यू मिल जा रहा है, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स आपका लॉस फंक्शन हो रहा है, और बिहाइंड द सीन्स आप ग्रेडियंट डिसेंट लगा करके इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हो। तो आई होप आपको एक रफ इंट्यूशन हो रहा है। अगर आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझ में आ रहा है तो फिर आपको सॉफ्टमैक्स का भी ट्रेनिंग समझ में आ रहा होगा, एटलीस्ट ये जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अब अगर आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ गई, तीनों सेट ऑफ वैल्यूज फॉर ऑल 3 सेट्स अगर आपके पास आ गई, तो अब सवाल ये है कि आप प्रिडिक्शन कैसे करोगे, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। सो गाइज, नाउ वी हैव 3 मॉडल्स, ठीक है, M1, M2 और M3, ठीक है।
और एक बार मैं आपको समझाता हूं ये तीनों मॉडल्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो पहला मॉडल है, अगर आप इसको कोई क्वेरी पॉइंट देते हो, किसी स्टूडेंट का डेटा देते हो सीजीपीए और आईक्यू, तो ये आपको ये बताता है कि उसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। मतलब या तो प्लेसमेंट होगा, दैट इज पॉजिटिव क्लास, और यहाँ पे जीरो का मतलब है दोनों बाकी के केसेस की, प्लेसमेंट ना होना और ऑप्ट आउट होना, ठीक है। सिमिलरली ये जो सेकेंड आपका मॉडल है, ये आपको बता रहा है कि बंदे का प्लेसमेंट नहीं होगा, और जो जीरो क्लास है वो है बाकी दोनों क्लासेस, होगा या ऑप्ट आउट करेगा। और सिमिलरली जो थर्ड वाला मॉडल है, ये भी आपको फिल्टर आउट करके दे रहा है कि वो ऑप्ट आउट करेगा कि नहीं। ऑप्ट आउट करेगा पॉजिटिव क्लास, नहीं करेगा में प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा बाकी दोनों क्लासेस। तो ये तीनों मॉडल्स का काम क्या है, एक एक चीज को पकड़ के प्रिडिक्शन करना, ठीक है। सो मान लो आपके पास एक नया स्टूडेंट आता है और उसका सीजीपीए है 7 और उसका आईक्यू है 70, तो अब इसका यस होगा या नो होगा या ऑप्ट आउट होगा, ये हम कैसे निकालते हैं गिवन हमारे पास तीन अलग अलग मॉडल्स हैं। बहुत सिंपल, आप क्या करोगे, आप तीनों मॉडल्स के लिए z वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और z वैल्यू कैसे निकलता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ कोफिशियंट्स विद द कोऑर्डिनेट वैल्यू। सो आप सबसे पहले निकालोगे z1, और ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 7 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू w1 ऑफ मॉडल 1 प्लस 70 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू और प्लस w0, ठीक है। सिमिलरली आप इस मॉडल के लिए निकालोगे z2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू w1 ऑफ मॉडल 2 प्लस 70 मल्टीप्लाइड बाय w2 ऑफ मॉडल 2 प्लस w0। और सिमिलरली आप इसके लिए निकालोगे z3 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय w1 ऑफ मॉडल 3 प्लस 70 मल्टीप्लाइड बाय w2 ऑफ मॉडल 3 प्लस w0। और यहाँ पे गाइस बाय द वे मॉडल 1 होगा, यहाँ पे मॉडल 2 होगा और यहाँ पे मॉडल 3 होगा, ठीक है। अब हमारे पास z1 आ चुका है, z2 आ चुका है और z3 आ चुका है। अब हम लगाएंगे सॉफ्टमैक्स फंक्शन, ठीक है। सो मैं निकालूंगा सिग्मोइड ऑफ यस होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और ये कैसे निकलेगा, e to the power z1 divided by e to the power z1 plus e to the power z2 plus e to the power z3। फिर मैं निकालूंगा सिग्मोइड ऑफ नो होने का प्रोबेबिलिटी और ये निकलेगा e to the power z2 e to the power z1 plus e to the power z2 plus e to the power z3। और फिर मैं निकालूंगा ऑप्ट आउट होने का प्रोबेबिलिटी और वो निकलेगा e to the power z3 e to the power z1 e to the power z2 e to the power z3, ठीक है। और ये तीनों प्रोबेबिलिटीज मान लेते हैं अभी फिलहाल, मान लो ये आया 0.4, ये आया 0.35, तो ये आएगा 0.25, ठीक है। और गोइंग बाय दिस लॉजिक आप बोलोगे इस स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा क्योंकि बाकी दोनों इससे कम है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ प्रिडिक्शन इज डन। सो इन शॉर्ट अगर आपको समराइज करके मैं बताऊं तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप जितने आपके पास क्लासेस हैं इन अ वे आप उतने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हो, उतने सेट ऑफ कोफिशिएंट्स निकाल रहे हो फॉर ईच ऑफ द मॉडल्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, फॉर एवरी मॉडल यू आर कैलकुलेटिंग द जेड वैल्यू, प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं, और फिर उस जेड वैल्यू को आप कन्वर्ट करते हो इनटू अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू यूजिंग द सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। और फिर एंड में जिस भी क्लास का प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम आप उसी क्लास को असाइन कर देते हो वो क्वेरी पॉइंट, ठीक है। एंड दैट इज हाउ सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन वर्क्स, ठीक है। देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम कि हमने यहाँ पे जो ट्रेनिंग का अप्रोच देखा कि जितनी क्लासेस हैं हम उतने ही लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, ये अप्रोच थोड़ा सा स्लो हो जाता है स्पेशली बड़े डेटा सेट्स के ऊपर, ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस हैं, दिस अप्रोच इज स्लो। तो आप क्या करते हो, एक डिफरेंट अप्रोच यूज करते हो जहां पे आप क्या करते हो, आप अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो लॉस फंक्शन था उसको चेंज कर देते हो, उसमें एक बदलाव लाते हो, और उस चेंज की वजह से क्या होता है, एक सिंगल मॉडल के थ्रू ही आप पूरा ट्रेनिंग कर देते हो और आपको सारे कोफिशियंट्स की वैल्यू मिल जाती है। अगर तीन क्लासेस हैं तो आपको 9 कोफिशियंट वैल्यूज एक सिंगल लॉस फंक्शन से मिल जाती है, ठीक है। और हम वही अभी देखेंगे नेक्स्ट की वो काम कैसे किया जाता है।
सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली साइकिट लर्न में जो इम्प्लीमेंटेशन है सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन का, वहां पे चीजें कैसे काम करती हैं। अभी तक मैंने जो आपको बताया वो बहुत इंट्यूटिव था और एक्चुअली वैसे काम नहीं होता कि आप जितने आपके क्लासेस हैं उतने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल्स को बिहाइंड द सीन्स ट्रेन करो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको रीजन बताया, हो सकता है आपका डेटा बहुत बड़ा हो, नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा हो, तो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है। तो एक बेटर अप्रोच ये है कि आप अपने लॉस फंक्शन को इस तरीके से मॉडिफाई करो कि वो सॉफ्टमैक्स के केस में काम कर जाए, ठीक है। सो अभी तक आपने जो लॉस फंक्शन पढ़ा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, वो कुछ ऐसा दिखता था। मैं एक बार आपको लिख के बताता हूँ। मान लो हमारे पास m रोज है, m स्टूडेंट्स का डेटा है, तो हमारा लॉस फंक्शन ये होता था, वाई आई लॉग वाई आई हैट प्लस 1 माइनस वाई आई लॉग 1 माइनस वाई आई हैट। ये हमारा लॉस फंक्शन था, ठीक है। अब सॉफ्टमैक्स के केस में जो आपका लॉस फंक्शन होता है, मैं एक बार लिख रहा हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो ये होता है। पहले की तरह 1 बाय एम होता है, जहां पे एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन योर डेटा। फिर आता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एम, एक और सिग्मा K इज इक्वल टू 1 से लेके कैपिटल K, और यहां पे आता है वाई आई लॉग वाई आई, और यहां पे ब्रैकेट में आई ओके जस्ट 1 सेकेंड, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, एक बार मैं इसको फिर से अच्छे से लिखता हूं। सो यहां पे होता है वाई के ऑफ आई, और फिर यहां पे होता है log y k ऑफ y हैट, ठीक है। ये लॉस फंक्शन होता है सॉफ्टमैक्स के केस में, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि यहाँ पे दो समेशंस हैं, बट इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। एक काम करते हैं, एक डेटा सेट बनाते हैं। सो मान लो हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें दो इनपुट कॉलम्स हैं, x1 x2 और हमारे पास एक y है, ठीक है, और हमारे पास सिर्फ 3 रोज है, सिर्फ 3 रोज का ये डेटा सेट है। सो ये हो जाएगा x11, ये हो जाएगा x12, ये हो जाएगा x21, x22, x31, x32, ठीक है। जो y है वो ऐसा है, 0, 1 और 2, 3 क्लासेस हैं। मैंने क्या किया, इसके ऊपर वन हॉट इनकोडिंग लगा के y k इज इक्वल टू 0 के लिए एक कॉलम बनाया, तो ये 1 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे। सिमिलरली y k इक्वल टू 1 के लिए कॉलम बनाया, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और सिमिलरली y k इज इक्वल टू 2 के लिए कॉलम बनाया, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा, मैं आपको ये टर्म एक्सपैंड करके दिखाऊंगा फॉर दिस डेटा सेट, ठीक है, ध्यान से देखना क्या होगा। सो ये बाहर वाला जो समेशन है ये नंबर ऑफ रोज के लिए है, और ये जो अंदर वाला समेशन है ये हर रो के लिए नंबर ऑफ क्लासेस का समेशन है। तो मैं एक काम करता हूं, अभी मैं सिर्फ फर्स्ट रो पे फोकस करता हूं और सिर्फ अंदर वाले समेशन को ओपन करता हूं, ठीक है। मतलब अभी मैं सिर्फ के को एक्सपैंड करूंगा, आई को रहने दूंगा, ठीक है। सो जब मैं पहले वाले के लिए लिख रहा हूं, फर्स्ट रो के लिए लिख रहा हूं, तो K का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। K सिर्फ यही 3 वैल्यूज हो सकता है, और सिंस रो 1 है तो I का वैल्यू 1 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y 0, हम ये अंदर वाले समेशन को एक्सपैंड कर रहे हैं, यहां पे आ जाएगा 1। और एक चीज और, ये k आई इक्वल टू 1 से m है और k इज इक्वल टू 1 से k है, कैपिटल k। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि ये 0, 1, 2 ना हो करके 1, 2 और 3 है। सो मैं सेम चेंजेस यहां भी कर देता हूँ, जस्ट नोटेशन के साथ यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। और अब हम लिखते हैं इसको ठीक से।
हम अंदर वाले टर्म को एक्सपैंड कर रहे हैं, फिर बाहर वाले टर्म को एक्सपैंड करेंगे. तो अंदर वाले टर्म के हिसाब से सबसे पहले आएगा वाई, के का वैल्यू 1, और हम अभी फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं. यहां पे आएगा लॉग ऑफ के का वैल्यू 1 और ऊपर भी 1 हैट प्लस y 2, अभी भी ऊपर 1 रहेगा, log y 2 1 हैट प्लस y 3 1 log y 3 1 हैट. ये हो गया अंदर वाला एक्सपेंशन. ठीक है, अब फिर से क्या होगा, प्लस आएगा और अब मैं बाहर वाले को एक्सपैंड कर रहा हूं. तो अब मैं सेकेंड रो की बात करूंगा, तो सेकेंड रो के लिए क्या होगा, सबसे पहले यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे अभी भी 1 रहेगा. पहला क्लास लॉग वाई 1 2 हैट प्लस वाई 2 2 लॉग वाई 2 2 प्लस, बाय द वे यहां पे प्लस होगा, y 3 2 log y 3 2 hat. ठीक है, और सिमिलरली अब मैं लास्ट वाले रो के लिए लिख रहा हूं. लास्ट वाले रो के लिए आ जाएगा y 1 3 log y 1 3 hat plus y 2 3 log y 2 3. इसमें गलती होने का चांस एक्चुअली बहुत है, सो अगर कुछ गलती हो जाए तो आई होप आपको बेसिक चीज समझ में आ रही है. y 3 3 log y 3 3 hat. ठीक है, तो गाइज ये पूरा एक्सपेंशन है, ठीक है. अब देखो यहां पे चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं फिर, क्योंकि अगर आप वैल्यूज पकड़ो, जैसे कि इसका वैल्यू पकड़ो वाई वन वन, बेसिकली ये वैल्यू, जब के का वैल्यू 1 है और आई का वैल्यू भी 1 है, ये 1 है तो ये पूरी चीज ऐसे ही रह जाएगी. बट अगर आप ये वैल्यू पकड़ो वाई टू वन, जब k का वैल्यू 2 है और i का वैल्यू 1 है तो ये 0 है, मतलब ये वाला जो टर्म है ये पूरा 0 हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली जब y 3 1 की बात कर रहे हो, ये वैल्यू ये भी 0 है तो ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा. सिमिलरली अगर आप देखो तो ये टर्म एज इन ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा. तो आपके पास बचेगा क्या, आपका लॉस फंक्शन सिर्फ इतना रहेगा. लॉस फंक्शन विल बी वाई वन वन लॉग वाई वन वन हैट प्लस वाई टू टू लॉग वाई टू टू हैट प्लस वाई थ्री थ्री log y 3 3 hat. ये आपका loss function है finally. But obviously ये सिर्फ 3 rows हैं, इसलिए ऐसा है, और ज्यादा rows में और ज्यादा terms होते हैं. ठीक है, but अभी हमारे case में ऐसा ही है loss function. ठीक है, तो this is the loss function. अब इस loss function में ये values तो मेरे पास हैं, बस मुझे निकालनी है ये values कि y 1 1 hat क्या है, similarly y 2 2 हैट क्या है और y 3 3 हैट क्या है. ये तीन वैल्यूज मुझे निकालनी है. ठीक है, क्योंकि आपको इवेंचुअली क्या करना होगा, आपको ग्रेडियंट डिसेंट लगाना पड़ेगा. तो मैं आपको पहले ये वैल्यू निकाल के दिखाता हूं. ये वैल्यू क्या है, y 1 1 हैट इज नथिंग बट सिग्मोइड ऑफ जो आपका इस पर्टिकुलर कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेट्स रहेंगे w 1 w 2 और w 0 वन वन वन. ठीक है, तो आप क्या करोगे, x 11 को मल्टीप्लाई करोगे इससे, x 12 को मल्टीप्लाई करोगे इससे और उसमें w नॉट वो ऐड कर दोगे. तो बेसिकली दिस टर्म इज इक्वल टू w 1 1 x 11
प्लस W21 X12 प्लस W0, ठीक है। और बाय द वे सिग्मा, ये सिग्मोइड नहीं है, दिस इज सॉफ्ट मैक्स, दिस इज सॉफ्ट मैक्स, ठीक है। सिमिलरली Y22 विल बी सॉफ्ट मैक्स ऑफ W1 टू X21 प्लस W2 टू X22 प्लस W0, मैं बार बार यहां पे भूल जाता हूं, 1 होगा यहां पे 2 होगा। और सिमिलरली Y3 3 विल बी सॉफ्ट मैक्स ऑफ W1 ऑफ 3 X31 प्लस W2 3 X32 प्लस W0 ऑफ 3, ठीक है। ये आपके सॉफ्ट मैक्स फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर अगर आप सोचो तो आपके पास जो नंबर ऑफ कोफिशियंट्स आ रहे हैं वो ये हैं, W1 1 W2 1 एंड W0 1, W2 I'm sorry W1 of 2 W2 of 2 and W0 of 2, W1 of 3 W2 of 3 and W0 of 3. So basically आपके पास in total आपका जो loss function है वो इतने coefficients के ऊपर depend कर रहा है, you can see that 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रेडियंट डिसेंट लगाते टाइम, आपको ग्रेडियंट डिसेंट लगाते टाइम अपने लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव सभी के साथ निकालना पड़ेगा। ये सारे डेरिवेटिव्स आपको निकालने पड़ेंगे, टोटल मिला के 9 डेरिवेटिव्स आपको निकालने पड़ेंगे, 9 डेरिवेटिव्स आपको निकालने पड़ेंगे। हर बार आप क्या करोगे ग्रेडियंट डिसेंट में, आपको पता है स्टेप्स, पहले 9 वैल्यूज आप इनिशियलाइज कर लोगे, ये जो पूरा मैट्रिक्स है 9 वैल्यूज का, इसको आप इनिशियलाइज कर लोगे। उसके बाद आप लूप चलाओगे फॉर लाइक 1000 टाइम्स, 1000 epochs, और हर बार आप क्या करोगे, आप सारे के सारे 9 अपडेट्स करोगे। फॉर एवरी कोफिशियंट यू विल डू द अपडेट, जैसे मैं आपको पहला दिखाता हूं, W1 of 1 का अपडेट विल बी पुराना वैल्यू माइनस लर्निंग रेट टाइम्स डेल L डेल W1। सिमिलरली सेकेंड अपडेट जो होगा वो ये होगा, ठीक है। इस तरीके से आप 9 अपडेट्स करोगे, ऑब्वियसली आप वेक्टराइजेशन अप्लाई कर दोगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट या आप अलग अलग मॉडल्स ट्रेन ना करके अपने लॉस फंक्शन में ही चेंजेस कर देते हो, और फिर लॉस फंक्शन में जो चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से आप 9 वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो। इफ यू हैव गॉट 3 क्लासेस, 4 होगा तो आपके पास डिपेंडिंग ऑन आपके पास नंबर ऑफ इनपुट कॉलम्स कितने हैं, आपके पास उतने ही कोफिशियंट्स होंगे, ठीक है। तो दैट इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। मैं इसके डिटेल में अभी नहीं घुस रहा हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालते टाइम क्या आएगा, उसके ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट लगा के कोड कैसे करना है, एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा, बट इट वुड बी अ गुड प्रैक्टिस अगर आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। मजेदार है, थोड़ा चैलेंजिंग है, तो आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिलेगा कि पूरी चीज कैसे काम करती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कोड में ये पूरी चीज कैसे काम करती है। सो नाउ गाइज आई विल शो यू वन एग्जाम्पल जहां पे मैं scikit-learn यूज करके सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन करूंगा, ठीक है। सो कोड पहले से लिखा हुआ है, इट विल बी अ वॉक थ्रू ऑन द आयरिस डेटा सेट। इफ यू नो आयरिस डेटा सेट में देर आर 3 क्लासेस, सेटोसा, वर्सिकलर एंड वर्जेनिका, हम वो यूज करेंगे। सो यहाँ पे मैंने सारे इम्पोर्ट्स ले लिए हैं, यहाँ पे मैंने डेटा सेट को इम्पोर्ट किया, दिस इज द डेटा सेट। हमारे पास 4 इनपुट कॉलम्स हैं और एक आउटपुट कॉलम है जिसमें 3 अलग अलग क्लासेस हैं। ऑल्दो मैं चारों इनपुट कॉलम्स यूज नहीं करूंगा बिकॉज मुझे आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है, तो आई विल जस्ट सेलेक्ट सेपल लेंथ एंड पेटल लेंथ, सिर्फ ये 2 इनपुट कॉलम्स में रखूंगा, बाकी दोनों को हटा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपने आउटपुट कॉलम के ऊपर लेबल इनकोडर करके उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट अब मेरा डेटा ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैंने सिर्फ
तीन कॉलम सेलेक्ट किए आउट ऑफ फाइव कॉलम्स, सेपल लेंथ, पेटल लेंथ एंड स्पीशीज, जिसकी वजह से अब मेरा डेटा सेट ऐसा दिखाई दे रहा है। दिस इज माई फाइनल डेटा सेट जिसके ऊपर मैं एल्गोरिदम अप्लाई करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाया, और उसके बाद दिस इज द मेन लाइन जहां पे मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे बस आपको एक काम करना होता है कि मल्टी क्लास बोल के एक पैरामीटर होता है, इसकी वैल्यू को यू हैव टू सेलेक्ट एज मल्टीनोमियल, बिकॉज हमने जो पढ़ा दैट वॉज सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन, जिसका टेक्निकल नाम इज मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दैट इज वाई यहाँ पे मल्टीनोमियल पुट किया। तो scikit-learn को समझ में आ जाएगा कि यू वॉन्ट टू परफॉर्म सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन। ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, इस स्टेप में हमने मॉडल को ट्रेन किया, यहाँ पे मैंने बस प्रिडिक्शन कैलकुलेट किया और मेरा एक्यूरेसी स्कोर इज कमिंग आउट टू बी 96% बिकॉज डेटा इज नॉट दैट डिफिकल्ट एंड दिस इज द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। सिर्फ एक जगह पे गलती हो रही है, ये वाली, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, मैंने एक नया क्वेरी पॉइंट लिया जहाँ पे 3.4 इज द सेपल लेंथ एंड 2.7 इज द पेटल लेंथ, ठीक है। और इस बार मैंने CLF में प्रिडिक्शन ना करके प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन को कॉल किया। तो प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या करेगा, वो सॉफ्टमैक्स का आउटपुट बताएगा फॉर ईच ऑफ द क्लासेस, बेसिकली तीनों क्लासेस के होने का प्रोबेबिलिटी बताएगा इन। और जब मैंने इसको रन किया तो दिस वॉज द आउटपुट, ये तीन अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हैं। ये है इस फ्लावर के सेटोसा होने की प्रोबेबिलिटी, ये है वर्सी कलर होने की प्रोबेबिलिटी, और ये है वर्जिनिका होने की प्रोबेबिलिटी। इन तीनों नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप प्रिडिक्ट लगाओगे तो इन तीनों में से जो मैक्स है वो वैल्यू आपको मिल जाती है। जैसे इस केस में मैक्सिमम इज 0, यहां पर ही 10^-1 है और ये 7.25 है, ये 2.73 है, ये तो बहुत ही छोटा है, मतलब वर्जिनिका होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सेटोसा और वर्सी कलर में कॉम्पिटिशन था बट सेटोसा ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ओके, और लास्ट में मैंने क्या किया, ये एक लाइब्रेरी है ML Extend, इसके अंदर एक फंक्शन होता है प्लॉट डिसीजन regions, जहाँ पे आप अपना क्लासीफायर दो और अपना X और Y वैल्यू दो तो वो आपको डिसीजन बाउंड्री प्लॉट करके दे देता है, एंड यू कैन सी दिस इज द डिसीजन बाउंड्री। सो मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज एबल टू क्लासीफाई 3 डिफरेंट क्लासेस, अगर और ज्यादा भी क्लासेस होती तो मैं ये इजिली कर पाता, ठीक है। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन एज सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन, ठीक है। तो आप ये सेम चीज किसी और डेटा सेट पर ट्राई करके देखो, इफ पॉसिबल MNIST के ऊपर ट्राई करके देखो। उसके ऊपर आप पहले PCA लगा लो और टॉप दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स लेकर के उसके ऊपर आप ये चीज अप्लाई करके देखो। वहां पर 10 क्लासेस हैं तो आपको 10 अलग डिसीजन रीजन्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको 3 रीजन्स मिल रहे हैं, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। तो या दैट्स इट अबाउट सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन। आई होप आपको कोर आइडिया समझ में आ गया, उसके ऊपर का जो प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है और स्क्रैच से जो हम लोग कोड करते हैं सारे एल्गोरिदम्स को, उसके ऊपर आई विल मेक अ वीडियो इन फ्यूचर, बट अभी इस पॉइंट पे मुझे लगता है जितना हमें आना चाहिए उतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो या दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।